हाय बच्चों, कैसे हो आप सब? ओके, आज के जो उसका संडे का प्रोग्राम में हम आए हैं, आप सब खुश है ना? ओके, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इस संडे क्लास के प्रोग्राम से, इस चैनल से जो आप आशीष पाते करके हम विश्वास करते हैं। ठीक है बच्चे, हम आज के जो प्रोग्राम में जाने से पहले हम क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करना तो क्या करना है, हमें हाथ जोड़कर, आँखें बंद कर, घुटने टेक कर हम प्रार्थना करना है। ठीक है बच्चे, ओके हम प्रार्थना करेंगे, सब आँखें बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे स्वर्गीय पिता, इस समय आपको हम आपको धन्यवाद करते हैं। इस दिन में परमेश्वर हम आपके सम्मुख में आए हैं। संडे क्लास प्रोग्राम को आशीष कीजिए परमेश्वर। इस संडे क्लास प्रोग्राम को देखने वाले हर एक बच्चों को उनके जीवन में, उनके परिवार में एक परिवर्तन होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। उनकी पढ़ाई को आशीष कीजिए, उनकी ज़िंदगी में एक अच्छा जीवन जीने के लिए आप कृपा कीजिए परमेश्वर। आने वाले दिन में इस बच्चे को आप लेके इस्तेमाल कीजिए परमेश्वर। उनके जीवन में होने वाले सारे संकट को दूर कीजिए और परिवार को आशीष कीजिए परमेश्वर। इन बच्चों के द्वारा उनके परिवार पूरा आशीष पाने के लिए आप अनुग्रह कीजिए परमेश्वर। आज के इस संडे क्लास प्रोग्राम में परमेश्वर, शुरुआत से लेकर अंत तक आपके हाथ हमारे संग रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। जो हम गाना गाने वाले हैं उसको भी आशीष कीजिए, और जो एक्शन है उसको भी परमेश्वर आप आशीष कीजिए, और हम जो कहने जो सुनने वाला जो स्टोरी को भी परमेश्वर आप आशीष कीजिए, मेमोरी वर्स भी आप आशीष कीजिए परमेश्वर। सारे सब कुछ हम आपके हाथ में सौंपते हैं, आप उठा के लेके चलो परमेश्वर, हमें अगुवाई कीजिए, आपके हाथ में सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं अच्छे पिता, आमीन। ठीक है बच्चों, ओके आज के संडे क्लास के प्रोग्राम की जाने वाले हैं। ठीक है, आज भी हम क्या करने वाले हैं, एक नया सॉन्ग सीखने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको ऑनलाइन आपको मैं बताता हूँ, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसे हम साथ मिलकर गीत गाएंगे, उसके बाद एक्शन देखेंगे। ठीक है, हम जो जिसकी उपासना करते हैं, वो जो हम आराधना करते हैं परमेश्वर यीशु मसीह, क्या करने वाले, वापस आने वाला है। हाँ, यीशु मसीह फिर से इस संसार में आने वाला है। क्या आप विश्वास करते हो? हम सब विश्वास, हमें पूरा सब विश्वास है कि परमेश्वर यीशु मसीह फिर से आने वाला है। हम सभी को क्या करने वाला है, उनके संग रखने वाला है। ठीक है बच्चों, उसके बारे में आज एक गीत हम सीखने वाले हैं। ठीक है, ओके, मैं पहला पूरा जो उसका लिरिक्स आपको सिखाता हूँ, उसके बाद हम क्या करेंगे, मिलके गाएंगे। ओके, एक दिन यीशु स्वर्ग से उतर आएगा, एक दिन यीशु स्वर्ग से उतर आएगा, उस दिन हमको उसके संग ले चलेगा, उस दिन हमको उसके संग ले चलेगा। और उसके बाद एक लाइन है, घर में दूंगा ऐसे बोला रे, मुझको दूंगा ऐसा बोला रे, घर में बनाऊंगा बोला रे, तुझको दूंगा ऐसा बोला रे, जैसा कहा वैसे दूतों के संग आकर स्वर्ग राज्य हमें ले चलेगा, जैसा कहा वैसा दूतों के संग आकर स्वर्ग राज्य ले चलेगा रे। और फिर से हम कहेंगे, एक दिन यीशु स्वर्ग से उतर आएगा, हमको उस दिन संग ले चलेगा, तुरही का आवाज़ अब गूंजते रहे, ताली भी ये गुन सब गूंजते रहे, तुरही का ये आवाज़ गूंजते रहे, ताली भी ये गूंज सब सुनते रहे। ओके बच्चों, अभी हम इसको गाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्शन देखेंगे। ठीक है, एक दिन यीशु स्वर्ग से उतर आएगा, हमको उस दिन संग ले चलेगा, एक दिन यीशु स्वर्ग से उतर आएगा, हमको उस दिन संग ले चलेगा रे। रा पा 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 पर पा पर पा पा रा पा 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 पर पा पर पा पा घर में बनाऊंगा बोला रे, तुझको दूंगा ऐसा बोला रे, घर में बनाऊंगा बोला रे, तुझको दूंगा ऐसे बोला रे, जैसा कहा वैसे दूतों के संग आकर स्वर्ग राज्य ले चलेगा रे। एक दिन यीशु स्वर्ग से उतर आएगा, हमको उस दिन संग ले चलेगा रे, तुरह की आवाज अब गूंजते रहे, ताली के भी अब सुनते रहे, रा पा 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 पर पा पर पा पा रा पा पा पा
परपा परपा पाम। ठीक है बच्चे, यही गाना है। ओके अभी हम गाना हम क्या करेंगे, एक्शन देखने वाले। ठीक है, ओके एक दिन यीशु स्वर्ग से उतर आएगा, हमको उस दिन संग ले चलेगा। एक दिन यीशु स्वर्ग से उतर आएगा, हमको उस दिन संग ले चलेगा। रे बनाऊंगा बोला रे, मुझको देगा ऐसे बोला रे, घर में बनाऊंगा बोला रे, मुझको देगा ऐसे बोला रे, जैसा कहा वैसे तू तो के संग आकर स्वर्ग राज ले चलेगा रे। एक दिन यीशु स्वर्ग से उतर आएगा, हमको उस दिन संग ले चलेगा रे। उर्ही का आवाज अब गूंजते रहे, ताली के एक गूंज सब सुनते रहे। रा पा 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 परा पा परा पा पा, रा पा 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 परा पा परा पा पा, रा पा 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 परा पा परा पा पा, रा पा 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 परा पा परा पा परा पा परा पा परा पा। ठीक है बच्चों, आप सब देखा ना सब इस सॉन्ग को, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा ना? ओके मैं विश्वास करता हूँ आपको सबको अच्छा लगा करके। यीशु मसीह क्या करने वाला है, फिर से इस संसार में आने वाला है, हमको उसके संग रखने वाला है। जैसा उसने कहा है मैंने आपके लिए घर बनाया करके, वैसा ही हमारे लिए आज भी परमेश्वर क्या किया, स्वर्ग राज्य में हर एक के लिए घर बना के रखा है। उस घर में परमेश्वर क्या कराएगा, हमको लेके जाएगा। ठीक है, उसको हम वहाँ स्वर्ग राज्य में जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तैयार होना है। कैसे हम तैयार होंगे, क्योंकि हर दिन परमेश्वर के अंदर हम प्रार्थना और बाइबल पढ़ना, उसके संगति में रहना, यही हमारा जो जीवन में हर दिन हर जो काम हम जो करते हैं उसको करना चाहिए। ठीक है बच्चों, ओके आज की हम स्टोरी में हम जाएंगे। ठीक है, हाँ बाइबल में एक स्टोरी है, जो एक मालिक था, उसको उसको तीन नौकर थे उनको। ठीक है, उनको तीन नौकर थे। उस मालिक ने क्या किया, एक दिन वो बाहर देश मतलब परदे मतलब बाहर देश जाने के लिए एक समय आया, उसके पहले क्या किया, उसने उनके नौकर को बुलवा कर उनके क्या किया, हर एक को जो उनके सामर्थ्य के अनुसार उनके क्या किया, हर एक को एक तोहफा दिया, मतलब टैलेंट दिया। हम सभी को एक टैलेंट होते हैं ना बच्चों, क्योंकि संसार में पैदा हर एक को परमेश्वर ने क्या किया, क्या दिया है, टैलेंट दिया है। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं ज़ीरो हूँ, मेरे पास कुछ टैलेंट नहीं है, ऐसा कहने के लिए नहीं होगा, क्योंकि हर एक सबके पास क्या होता है, टैलेंट होता है। किसी किसी को भी उनके जो सामर्थ्य के अनुसार, उनके बल के अनुसार उसको टैलेंट एक दो तीन चार ऐसा रहता है, किसी किसी को वो दो रहता है, किसी किसी को चार पाँच ऐसा ज़्यादा रहता है। वैसा क्या किया, पर में जो बाइबल में को जो स्टोरी है, उस मालिक ने क्या किया, उस नौकर को उनके सामर्थ्य के अनुसार उन्होंने क्या किया, जो तालंद है जो थोड़े है उनको बांट के दिया। पहला को क्या, पहला जन को क्या कितना दिया, पाँच थोड़े दिया, पाँच टैलेंट दिया। उसके बाद दूसरा था उनको दो टैलेंट दिया, और तीसरा था उनको एक दिया। एक देकर कहा मैं अभी बाहर देश जा रहा हूँ, मैं जाके आने के बाद क्या करो, इसे आप
बड़ा कैसे हो, क्या क्या करो, बढ़ाओ करके आपके टैलेंट को, क्या मैंने दिया उस टैलेंट को, इस पैसा को क्या करो, बढ़ाओ करके उन्होंने कह कर गया। उसके बाद बहुत समय के बाद क्या हुआ बच्चों, तो जो पांच टैलेंट मिला उसने क्या किया, उसे जाकर जो उसके पास पांच था और उस पांच को रखकर और पांच को क्या किया, कमाया उसने। वैसा ही दूसरा टैलेंट जो जिसको मिला है उसको भी क्या किया, उसको भी उसने भी क्या किया, उस दो को रखकर और दो कमाने लगा। और अंत में जो एक जन जो एक टैलेंट मिला उसको क्या एक, उसने क्या किया, उस एक को रखकर क्या किया, उसने जाकर मिट्टी खोद कर उसे वहाँ पर छिपा दिया है। ठीक है बच्चों, बहुत दिन के समय क्या हुआ, उस मालिक ने फिर से आया, फिर से आकर उन नौकरों को बुलाकर वो हिसाब पूछने लगा, मैंने आपको दिया जो जो पैसा रुपया उसे हिसाब दिखाओ, आपने कितना कमाया है करके उनसे हिसाब पूछा। तभी पहला जो आया था, उन जो पांच मिला उनसे, उसने क्या किया, देख मालिक मैंने आपने जो मुझे पांच दिया है मैं उसे पांच रखकर क्या किया और पांच मैंने कमा कर कमाया है, इसलिए ले जिए आपके क्या करके उन्होंने क्या किया दे दिया। तभी मालिक ने कहा अच्छा एक जो विश्वास योग्य जो नौकर है तू, जो दास है तू, तो क्या कर तूने थोड़े में से जो मतलब थोड़े में से विश्वास योग्य था इसीलिए जो तुझे बहुत सारे बहुत कामों में तुझे मैं अधिकारी बनाऊंगा करके पर जो ये जो उस मालिक ने कहा है। वैसे क्या कर वो कहने लगा तो क्या कर मेरे जो इस जो मनाओ में तू भी सहभागी ले सहभागी हो जाओ करके उन्हें कहा। वैसा दूसरा जन आया, उन्हें कहा मालिक ने आपने दो दिया है जो रुपया उसे मेरे तरक कर और दो मैंने कमाया है करके उन्हें कहने लगा। फिर से वो मालिक ने कहा अच्छा उत्तम और विश्वास योग्य दास तुम, तूने थोड़े से अच्छे थोड़े से उत्तम था इसलिए मैं क्या करेगा विश्वास योग्य था इसलिए मैं तुझे और ज़्यादा मैं तुझको अधिकारी बनाऊँ करके ऐसा बोला। तो उसके बाद क्या हुआ, वो तीसरा जन आया, तीसरा जन आया के क्या कहने लगा ए मालिक जो मैं जानता हूँ तू कठोर मनुष्य है इसलिए मैंने जो आपने जिया जो जो रुपया को मैंने इसने क्या किया मैंने जाकर क्या कर दिया मैंने मिट्टी खोद कर वहाँ पर छिपा के रख दिया मैंने कुछ नहीं किया ऐसे कहने लगा। तो मालिक को बहुत गुस्सा आया कि तूने क्यों ऐसा किया है, तू तो जानता था कि मैं कठोर मनुष्य हूँ फिर भी तू कहता है जो मैंने कुछ नहीं किया मैंने पैसा को नहीं बढ़ाया करके ऐसा तू बोलता है। यदि तू पैसा वाले के पास दिया था तो मैं वापस आते समय उसे ब्याज से लेता था ऐसे करके वो कहने लगा। लेकिन वो क्या किया उसने एक जो रुपया लिया था उसने क्या किया कुछ नहीं कमाया इसीलिए वो मालिक ने क्या किया उन्होंने कहा इनके पास जो कुछ है उनसे उनके पूरा निकाल के जो पांच जो रुपया है जो टैलेंट है उनके पास दे दो क्योंकि जिसके पास है उसको और दिया जाएगा जिसके पास नहीं है उनके पास जो कुछ भी है उनसे क्या कर जाएगा जो कुछ है उसे भी छीन लेगा करके वो मालिक ने कहा। देखो बच्चों हमारे जो हम परमेश्वर ने हमें हर एक को टैलेंट दिया है काबिलियत दिया है किसी किसी को गाना गाना और किसी किसी को म्यूजिक बजाना और किसी किसी को भी लिखना और क्या करना है ड्राइंग बनाना ये सब कुछ आता है अच्छा पढ़ाई करना ऐसा अच्छा बातें करना सब आते हैं बच्चों। लेकिन हर एक को क्या किया परमेश्वर ने उसे टैलेंट दिया है लेकिन हम उस टैलेंट को क्या हम बढ़ाते हैं नहीं क्यों हम उसमें लिखा है जो उदास और आलसी करके उस जो एक टैलेंट मिला ना उसको वो मालिक कहता है तो उदास और आलसी व्यक्ति करके हम वैसा नहीं रहना चाहिए हम उदास में नहीं रहना चाहिए और आलसी में नहीं रहना चाहिए हम एकदम क्या करना है उत्साहित से साथ परमेश्वर हमें दिया एक या दो कितना भी हो टैलेंट कितना भी हो हमारे पास वो हमें रखकर क्या करना चाहिए बढ़ाना चाहिए बढ़ाकर किसके लिए परमेश्वर के लिए यीशु के लिए हम क्या करने उसे इस्तेमाल करना चाहिए। देखो बच्चों कितने लोग आज के दिन में कितने टाइम वेस्ट करते हैं ना कितने समय को व्यर्थ करते हैं परमेश्वर ने हमें बहुमूल्य से दिया इस समय को क्या करना है हमें उसके लिए यूज़ करना है इस्तेमाल करना है हम समय को व्यर्थ नहीं करना है क्योंकि दिन पूरा क्या है पूरा बुरा है जो हम जो जीते हैं इस समय पूरा
बहुत कठोर का दिन है, कठिन का दिन है। हाँ, कल क्या होगा पता, हमें पता कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम क्या करना है, जो परमेश्वर हमें दिया जो टैलेंट को और जो काबिलियत को क्या करना है, हम बढ़ाना चाहिए। किसके लिए बढ़ाना है? प्रभु के लिए, प्रभु की महिमा के लिए हम बढ़ाना चाहिए। परमेश्वर तभी क्या करेगा, हमें आशीष कर और भी हमें क्या करेगा, टैलेंट में, काबिलियत में और कुछ हमारे पास जो अच्छा अच्छा काम है उसे क्या करेगा परमेश्वर, बड़ा के बड़ा अधिकार के समान बनाएगा परमेश्वर। ठीक है बच्चों, इस कहानी आपको समझ में आया करके मैं विश्वास करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि इस कहानी के रूप से आपने बहुत सारे कुछ सीखा रहेगा करके मैं विश्वास करता हूँ। ठीक है बच्चे, आज के हम मेमोरी वर्स हम सीखने वाले हैं। इस मेमोरी वर्स में हम पढ़ के उसे याद करेंगे और हर दिन उस मेमोरी वर्स को क्या करेंगे, याद करेंगे। ठीक है, उसमें हम पढ़ेंगे इफिसियों की पुस्तक, इफिसियों की पुस्तक उसमें पांचवा अध्याय उसमें 16वां वचन है, मैं पढ़ता हूँ। पहला इफिसियों की पुस्तक पांचवा अध्याय उसमें 16वां वचन मैं पढ़ता हूँ। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। जैसा हम जो आजकल जीते हैं इस जो बहुत महामारी के दिन में भी, ये सब पूरा क्या है, बुरा दिन है। किसी को मनुष्य को जीने के लिए यहाँ पर नहीं हो रहा है, कितना मतलब बुरा दिन हो गया है आजकल। इसलिए बाइबल कहता है अवसर को जानो, क्योंकि अवसर मतलब समय को समझो कि हमारे लिए दिया जो समय जो उद्योग बहुमूल्य है, उस बहुमूल्य समय को हम क्या करना है, अच्छे से मतलब परमेश्वर के लिए हम क्या करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए, अच्छे काम के लिए यूज़ करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि दिन बुरा है। इसलिए हम उसे समझकर, सोच समझकर, उसे ध्यान में रखकर हम हर दिन परमेश्वर के लिए समय को बिताना चाहिए। ठीक है, मैं फिर से कहता हूँ, फिर से पढ़ता हूँ। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरा है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरा है। इफिसियों की पुस्तक पांचवा अध्याय उसमें 16 वचन। ठीक है बच्चे, इस वचन को हम क्या करो, हर दिन मनन करो, याद करो, पढ़ाई करो। ठीक है, आप घर पे बैठते समय इस वचन को आप बार बार मनन करते रहो। ठीक है बच्चों, अभी हम प्रार्थना करेंगे। ठीक है, हम प्रार्थना करते समय क्या करना है, सब घुटने में आकर हम प्रार्थना करेंगे। ओके बच्चों, प्यारे स्वर्गीय पिता, इस समय आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, इस संडे क्लास प्रोग्राम को परमेश्वर ने आपने आशीष किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जो हम देखा है परमेश्वर, आपने हर एक बच्चे को, हर एक जो सब बच्चों को परमेश्वर आपने टैलेंट दिया है, उनके लिए कुछ काबिलियत है आपने दिया है परमेश्वर, उस टैलेंट को, उस काबिलियत को हम इस्तेमाल करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए आप हमें कृपा दीजिए परमेश्वर। परमेश्वर हमसे कुछ नहीं होगा परमेश्वर, लेकिन आपसे सब कुछ संभव है परमेश्वर। आप हमारे लिए सब कुछ कर हम आपकी महिमा के लिए, हम जीने के लिए हमें लेके इस्तेमाल कीजिए परमेश्वर। परमेश्वर हम जीते हैं, समय बहुत बुरा है, बहुत कठिन का समय है, कठोर का समय परमेश्वर। इस समय को हम समझकर, बहुमूल्य समझकर हम जीने के लिए, उस समय को आपके लिए इस्तेमाल करने के लिए आप हमें अगुवाई कीजिए परमेश्वर। हम आपके हाथ में सौंपते हैं इस प्रोग्राम को देखने वाले हर एक बच्चों को, आप आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। उन्हें आशीष कीजिए, उनके जीवन को आशीष कीजिए, वो लोग समय को व्यर्थ ना करें, आपके संग में बैठकर जो आपने उनके लिए दिया टैलेंट को बढ़ाने के लिए परमेश्वर, आपके राज के महिमा के लिए बढ़ाने के लिए उनके आपके इस्तेमाल करने वाले परमेश्वर के लिए धन्यवाद करते हैं। आप आते समय हम काली हाथ में आपके सम्मुख नहीं आना चाहिए परमेश्वर। हम अपने जो हमारे लिए दिया जो कुछ टैलेंट है उसे बढ़ाकर, आपके लिए बढ़ाकर परमेश्वर आपके सम्मुख में आते समय, आपको देखते समय परमेश्वर, हम आपके लिए बहुत कुछ किया करके, ऐसा एक काम किया करके हम आपके पास आना चाहिए परमेश्वर। वैसा हमें बना दो परमेश्वर, आप हमें अगुवाई कीजिए परमेश्वर, पवित्र आत्मा हमें लेकर चलाइए परमेश्वर। हम आपके साथ में सौंपते हैं हर एक बच्चों को, आप आशीष कीजिए, उनके परिवार को आशीष कीजिए, उनकी पढ़ाई को आशीष कीजिए परमेश्वर। आप ऐसा ही करने वाला है, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। आने वाले दिन में भी परमेश्वर इस वचन के द्वारा, इस जो कहानी के द्वारा हमारे जीवन चलने के लिए, आपके प्रिय जीवन होने के लिए हम आपके हाथ में सौंपते हैं यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं अच्छे पिता, आमेन। ठीक है बच्चों, ओके, अभी हम आज की संडे क्लास हम यहाँ पर समाप्त करते हैं और अगले हफ्ता हम फिर से मिलेंगे। ठीक है, तब तक परमेश्वर की आशीष कृपा आपके संग रहे। ठीक है, ओके बच्चों, बाय।